ये सिस्टम में है, ये सिस्टम के अंदर है। छोटे साहब वो बड़े साहब के नाम पर अरबों रुपए जोड़ने जा रहे हैं, बड़े साहब और छोटे साहब के पास पहुंचते नहीं पहुंचते। इस सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, कल को लोग आपको भी जूते मारेंगे और हमें भी जूते मारेंगे। ये सिस्टम जो है इसको खुदा के लिए बंद करें, लोगों का खून इस सिस्टम ने चूस रखा है। सर मैं तो समझता हूँ सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, स्टॉक लिस्टेड, राइट सिस्टम जो है ना, सिस्टम तो पॉजिटिव चीज है, मैं चाहता हूँ पॉजिटिव तरीके से सिस्टम चले। माफिया जो है ना वो सिस्टम वाला नहीं है, हर तरह का माफिया है शहर के अंदर, बदकिस्मती के। हेल्थ का हमसे बाती शायद नहीं चल रहा, हमसे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज नहीं चल रहा। मैं तो चाहता हूं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले, मेरा अपना टारगेट ये है। आपने कहा कंटोनमेंट्स, अदालतें जो है ना नस्ला टावर को गिरवा देती हैं, ये वाले फैसले इन्फोर्स नहीं करा पाती। बात ये है कि मेट्रो मुर्शिदाबाद के मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन लेकर एक मामूली यूसी तक जो है ना वापस में खुद मुख्तार हो, जैसा कि मौजूद उसके लिए स्ट्रगल करें, हम आपका साथ दें। दूसरी बात जो है ना वो ये है कि क्या कहते हैं इंडिया में कंटोनमेंट खत्म हो रहे हैं, या किस बात पर दरदराते फिर रहे हैं, सड़कें आप बना रहे हैं, उठाइए स्ट्रगल कीजिए कि इंडिया की तरह जो है ना हम मुकाबला करते हैं, यहाँ भी कंटोनमेंट खत्म करें, 30% से भी ज्यादा लें और अथॉरिटी आपके पास आए, इस पर भी हम आपका साथ देंगे। तीसरी जो है ना बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी आपके केएमसी में नहीं है, वो होनी चाहिए। आप जो है ना एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अदालत भी ऑर्डर कर चुकी है, वो एक्ट का तकाजा भी है कि आप अपने सारे परफॉर्मेंस वेबसाइट पर लाएं और बुक करें। और ये जो जिना अस्पताल की सड़क का आपने कहा है ना, उसके जिसके बिल क्लियर किए बरए करम उसको गिरफ्तार कराइए और जाके सड़क दीजिए कि अभी 3-4 दिनों के अंदर उसके अंदर क्या बिलिस्टर उभरे हैं। अगर आप इस पे आपको फखर करते हैं तो मैं आपको इस पे फखर करने नहीं दूंगा। आप जो है ना ये पब्लिक का पैसा जो है ना इस तरह से रिश्वत फॉर कॉन्ट्रेक्टर्स के जो है ना वो न जाने दें। एक तो बात ये, दूसरी बात जो है कि बड़ी तात है आपके पास, वो पता नहीं आपके इख्तियार में नहीं है और नहीं है, और मेरा भी दिल चलता है जब लोग कहते हैं ये सिस्टम में है, ये सिस्टम के अंदर है। छोटे साहब वो बड़े साहब के नाम पर अरबों रुपए जोड़ने जा रहे हैं, बड़े साहब और छोटे साहब के पास पहुंचते नहीं पहुंचते। इस सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, कल को लोग आपको भी जूते मारेंगे और हमें भी जूते मारेंगे। ये सिस्टम जो है इसको खुदा के लिए बंद करें, लोगों का खून इस सिस्टम ने चूस रखा है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात जो है ना वो ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर, ये दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट के पास है। और ये जो है ना आप जो है ये दोबारा से लें, ये डिवोल्यूशन करें और इसको करें, और फंड के जो है ना आपके पास बहुत बेशुमार तरीके हो सकते हैं। आज की बात नहीं है, आप 1-1-1 भी बैठे तो मिलेंगे भी, हम ये कहेंगे आपके पास अरबों रुपए हर महीने उनकी तरह बरसेगा, ये बात है इंशाल्लाह। लेकिन अब जी जी नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। अब जैसे पार्किंग का मामला है, पार्किंग के नाम पर जो लोगों से लूटा मारी हो रही थी उसको तो मुतदब आज ही नहीं खत्म करेगा, तो आज ही करते खत्म कराओ। इस तरह से जितना सारा चीजें कीजिए ना आप। और दूसरी बात यह है कि बराए कराम स्टाम्प वाम कलेक्शन का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं? किसका? स्टाम्प वाटर कलेक्शन का। स्टाम्प वाटर कलेक्शन के बगैर जो है ना मैं नहीं समझता कि कराची का वाटर प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो पाएगा। एक सवाल आप जवाब दे लेंगे? जवाब के लेंगे और मैं जवाब दे जवाब डॉक्टर साहब, आपने सारे पॉइंट्स आपके मैंने लिखे, कुछ बातें तलख हैं कुछ तुर्श हैं, लेकिन जवाब सबका देता हूँ। मैं बताऊँ आपको, डेवोल्यूशन का इशू ही नहीं है, एब्सोल्युटली डेवोल्यूशन का इशू नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कुछ नुक्स थे कि वाटर बोर्ड के अंदर मेयर का कंट्रोल नहीं था, वो एड्रेस हो गया है, वाटर बोर्ड का चेयरमैन अब मेयर है। उसके अलावा जितना नहीं, अब भी नहीं दे सकता नहीं, वो डेवोल्यूशन कानून का इशू नहीं है, वो शायद परफॉर्मेंस का इशू है, लेकिन डेवोल्यूशन इज नो लॉन्गर एन इशू, एक चीज। दूसरी बात आपने की ट्रांसपेरेंसी, मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं अगले 6 माह में, मैंने एक तो केएमसी का बजट ऑनलाइन कर दिया, पहली चीज। अगले 6 माह में इंशाल्लाह केएमसी का एक एक एसेट, मेरा टारगेट है उसको मैं वेबसाइट पर डाल दूँ,
हमारी ज़मीन कहाँ पे है, हमारी दुकान कौन सी है, हमारा पेट्रोल पंप कौन सा है और किसको दिया गया है। बल्कि कुछ चीज़ें मैंने डाल दी, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हट किस किस के नाम पे किस तारीख को दिया गया, पेट्रोल पंप और दुकानें किसके नाम पे किस तारीख को दी गई। लेकिन हाँ, इसको मैं मज़ीद बेहतर बनाऊँगा। JPMC रोड की आपने कहा क्वालिटी के ऊपर काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, ये कुछ जगहों से साइड से उखड़ना शुरू हो गई थी। उसकी बुनियादी मैं बताता हूँ, उसकी बुनियादी वजह मैंने भी नोटिस किया था, ये उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोने पे जो कचरा कुंडी थी उसका जो सामान कचरा उठाने के लिए ये बार बार स्क्रेप होता था, उससे प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात आपकी दुरुस्त है, इसको मैंने आइडेंटिफाई किया है और ये मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन है जो PDS का उसको मैंने कन्वे किया था, इसको मेक श्योर करें कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पूरी इंजीनियर मैं नहीं हूँ, कोशिश करूँगा कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए। सर हेल्थ केयर, मैं कन्विंस टू हेल्थ केयर हमारे पास नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सनल ख्याल ये है। मैं ये समझता हूँ कि म्यूनिसिपल फंक्शन सारे हमारे पास होने चाहिए। हेल्थ का हमसे बात ही शायद नहीं चल रहा, हमसे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ नहीं चल रहा। मैं तो चाहता हूँ ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चले, मेरा अपना टारगेट ये है। KMC खुद ये नहीं चला सकती बदकिस्मती के साथ, जब तक क्योंकि हमारी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इस पर मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ कि होना चाहिए, आपको कन्वेंस करेंगे। हाँ ठीक है, अब आ जाए दो, आपने कहा कंटोनमेंट्स, अदालतें जो है ना नस्ला टावर को गिरवा देती हैं, ये वाले फैसले इन्फोर्स नहीं करा पाती। इफ्तिखार चौधरी 2011 में ये फैसला करके आए थे। तो ये जो सारा जोर है ना वो बस KMC और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही चलता है। आपने कहा हाईकोर्ट ने पार्किंग माफिया को खत्म किया, पार्किंग माफिया खत्म हो गया है? देखिए, जब मुतालका हुकाम को काम नहीं करने देंगे दूसरे लोग काम करेंगे ना, तो यही होता है। बदकिस्मती के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ये है कि हम तो कार्रवाई करते हुए 10 बार सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी जाएगी, अदालतें फौरन ऑर्डर कर देती हैं। एट टाइम आज हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग अब ऑनलाइन आती है, सुप्रीम कोर्ट की। मैं सुन रहा था उस दिन लतीफ़ कोसा साहब से, चीफ जस्टिस साहब क्या पूछ रहे थे, कोसा साहब बताइए हमारे पास कैसे आ गए आप, यही पूछ रहे थे ना। कहते जी लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हो गए। तो जज साहब ने कहा कि अगर रिजेक्ट हो गए तो ट्राइब्यूनल चले जाएं। आज फिरदौस शमी नकवी साहब के पेपर बहाल हुए हैं, ट्राइब्यूनल ने बाहर किया, कानूनी तरीका यही है ना। हुआ क्या इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार के दौर में के सारे फैसले कोर्ट नंबर 1 में हो रहे थे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उसका नतीजा आज ये, जो हम जिस फेस पे आ गए, आज की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो हर वकील जो है वो उनके पास दरख्वास्त लेके चले जाते हैं, कैसे आप फैसला फरमा दें। वो बेचारे यही पूछते हैं भाई बताओ किस तरीके से मैं कैसे डिक्लेरेशन दूं। ये आज जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था वो बार बार ये कह रहे हैं, बताइए सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कंडक्ट किए बगैर कैसे डिक्लेरेशन दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अदालतों ने बार बार हुकूमती मामला में इंटरवीन किया है ना, उस इंटरवेंशन की वजह से बहुत सारे मसाइल एग्रीवेट हो गए हैं। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आइन का भी एहतराम करता हूँ और मैं हुकूमतों का भी एहतराम करता हूँ, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता हूँ। मुझे खुशी हुई आज चीफ साहब ने ऑब्जर्वेशन दी, शायद किसी जज साहब ने दी, कि 5 अफराद पार्लियामेंट के पास किए गए कानून को कैसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन माजी में तो पार्लियामेंट के पास किए गए कवानीन को भी रद्द कर दिया गया, पार्लियामेंट के इलेक्ट किए हुए वज़राए आज़म को भी घर भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो अदालत को हम इतना फखरिया कहते हैं ना, ये मैं बहुत एहतराम के साथ इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ जिसका जो मैंडेट है, जिसका वो डोमेन है, उसमें वो काम करें उतना ही बेहतर होगा। ये बस नस्ला टावर की आवाम के ऊपर गुज्जर नाले पे चल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू नंबर 1 बनीगाला के ऊपर जो है ना ये वाला इख्तियार नहीं चल पाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं समझता हूँ अदालतें चूँकि तनकीद से बालातर होती हैं, इस तरह के पॉलिटिकल मामला में जब जब इंटरवीन करेंगी तो उसका नतीजा जो है ना वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। ये मकसूद उसी साहब सर, मैं तो समझता हूँ सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, स्टॉक लिस्टेड, राइट, नाम हो जाता है सिस्टम 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 जो है ना सिस्टम, तो पॉजिटिव चीज है। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव तरीके से सिस्टम चले।
मैडम आपने पार्किंग प्लाजा का जिक्र किया, शहर में दो एग्जाम्पल है पार्किंग प्लाजा की और दोनों मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में बने थे। एक पार्किंग प्लाजा उन्होंने उस जगह पर बनाया जहाँ पे कोई कमर्शियल इमारत नहीं थी, जो कि आपका CDG के पार्किंग प्लाजा लाइन एरिया वाला, वो इसलिए चल नहीं पाया। वो KMC के अंडर नहीं है, वो KDA के अंडर है, उसके ऊपर मैं इसलिए कॉमेंट नहीं कर सकता। दूसरा पार्किंग प्लाजा आपको पता नहीं, शायद पता हो नहीं पता हो, PC के बराबर में बारादरी है, बारादरी KMC की ज़मीन है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में 2.5 एकड़ ज़मीन बारादरी की PC को दे दी गई और कहा कि तुम्हें सीखा, मैं क्या क्या बताऊं आपको कि TP2 के साथ क्या किया, न्यू कराची के नाले के साथ क्या किया, उसे आप कैंसिल नहीं करा सकते। जी मैं कैंसिल करूंगा तो अदालतें माशाल्लाह हमारी बस यही कह सकता हूँ, राइट। तो जो 33 लाख रुपए की आमदनी बड़ी मुश्किल से मिलनी शुरू हुई है अभी हमको बड़े अरसे बाद, वो भी शायद रुक जाएगी, लेकिन मैं आपके तवज्जुद से ये चीज़ रेज करना चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक उसकी रोड से जो एंट्रेंस है वो खुले, नंबर एक, उसका जो रेंट है वो कम है, रेंट बढ़ना चाहिए, और नंबर तीन ये कि उसके अंदर KMC का ऑफिस, अंडर दी अग्रीमेंट हमें ऑफिस रखने की इजाज़त है ताकि हम उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्शन कर सकें, वो भी ये लोग नहीं होने देते, क्योंकि इस मुल्क में माफिया जो है ना वो सिस्टम वाला नहीं है, हर तरह का माफिया है शहर के अंदर, बदकिस्मती के लिमिटेड कहा था मैंने, एक कंपनी का नाम है, उसका नाम है सिस्टम लिमिटेड, गूगल कीजिएगा। अब मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मलिर एक्सप्रेस से।